बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर ए राइड ऑन द मेट्रो। उससे पहले हम कुछ क्रिएटिव कॉर्नर की एक्सरसाइज करते हैं। बच्चों, यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा गया है, वेयर वॉज द फर्स्ट मेट्रो ट्रेन स्टार्टेड इन इंडिया। भारत में सबसे पहली मेट्रो ट्रेन कहाँ शुरू हुई थी? कोलकाता, मुंबई और दिल्ली। तो आपको यहाँ पर लिखना है उसका राइट आंसर। उसका राइट आंसर है कोलकाता। अबाउट द लेसन, बच्चों इस लेसन में हम किस बारे में पढ़ेंगे? यहाँ पर एक स्टोरी दी गई है जिसमें दो बच्चे हैं, अनन्या और एकांश, और वो अपनी दिल्ली मेट्रो ट्रेन में उन्होंने एक बहुत ही एंजॉयबल राइड की थी। उसके अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं कि उन्हें किस तरह से मजा आया था दिल्ली मेट्रो ट्रेन में ट्रेवल करने में, राइड करने में। तो अनन्या एंड एकांश वेंट टू देयर अंकल्स हाउस टू स्पेंड देयर समर वेकेशंस। अनन्या और एकांश जो है गर्मियों की छुट्टियों में अपने अंकल के घर गए जाते हैं, एंड देयर अंकल एंड आंट लिव्ड इन दिल्ली, और उनके जो अंकल आंटी हैं वो दिल्ली में रहते हैं। और सुमन, उसकी जो आंटी है, वो स्माइल होके स्माइल करके कहती है कि लेट्स गो फॉर शॉपिंग, कि हमें शॉपिंग के लिए चलना चाहिए। तो अनन्या कहती है थैंक यू आंटी, बट प्लीज, लेकिन प्लीज मे वी गो फॉर ए राइड ऑन द मेट्रो, एडिड आकांश। एकांश बोलता है कि क्या हम मेट्रो से जा सकते हैं प्लीज, मतलब राइड मतलब ट्रेवल कर सकते हैं। तो अनन्या और एकांश मेरठ से आए थे, और मेरठ में कार, बस, ऑटो, मिनी मोटर, मेट्रोज, ये सब चीजें तो थी लेकिन मेट्रो नहीं थी। तो उनकी आंट सुमन ने बोला, और उनका बेटा अंकुर और अंकल राज भी मेट्रो स्टेशन गए अनन्या और एकांश के साथ। वेयर इज द मेट्रो अनन्या, अनन्या ने पूछा मेट्रो कहाँ पर है? तो सुमन ने मेट्रो स्टेशन की तरफ इशारा करते हुए बोला, और एकांश एकदम सरप्राइज होकर पूछा अंडरग्राउंड, मतलब जमीन के नीचे। अनन्या ने कहा देखो स्टेयर दैट की मूव होने वाली स्टेयर्स हैं, इट्स एन एस्केलेटर, एस्केलेटर, इट इज इन आर मेरठ सिटी स्टेशन आल्सो, इसे एस्केलेटर बोलते हैं और ये हमारे मेरठ स्टेशन पे भी है, एकांश ने उसको एक्सप्लेन किया। तो उसकी आंटी ने बोला कि इट्स सेफ, तुम इसकी जो हैंड रेल है हाथ रखने की, उस पर अपना हाथ रख सकते हो, उसको वहां से पकड़ सकते हो और स्टेप ऑफ इन टाइम, और एकदम से मतलब आराम से नीचे उतर सकते हो। तो वेयर, एकांश आकाश ने उसको पूछा कि कहाँ पर, और एकांश ने कहा अरे वाह दिस इज फन, कि इसमें मजा आएगा, और इतनी जल्दी। अनन्या ने कहा एकदम से नीचे उतर गए, उसमें फास्टली उतर जाते हैं। वेट हियर आंट सुमन सेड, आंट उसकी आंटी सुमन ने कहा कि इंतजार करो, व्हेन दे गॉट ऑफ द एस्केलेटर आई विल गेट द टोकन्स, कि एस्केलेटर्स पे उतर के हमें पहले टोकन लेने होंगे। अनन्या ने कहा, चारों तरफ देखा और बोला व्हाट्स अवर ट्रेन कॉल्ड, हमारी ट्रेन को क्या बोलते हैं, मतलब जैसे और ट्रेन के नाम होते हैं। तो उसने सोचा कि इस ट्रेन का भी कुछ नाम होगा। तो अंकुर ने एक्सप्लेन किया कि मेट्रो ट्रेन के कोई नाम नहीं होते। हाउ विल वी नो विच ट्रेन वी शुड कैच, एकांश आस्क, एकांश ने पूछा तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कौन सी ट्रेन लेनी है। तो उसकी आंटी ने एक्सप्लेन किया कि हर एक ट्रेन का एक अलग कलर लाइन होती है, तो वी आर टेकिंग द ब्लू लाइन, कि हमें ब्लू लाइन की मेट्रो लेनी है, और वो उनको लेकर चलती है। तो चिल्ड्रन भी अपनी आंटी और अंकल के पीछे पीछे सेम गेट से, छोटे से गेट से जाते हैं। तो अंकुर उनको एक्सप्लेन करता है कि अपने टोकेंस को यहाँ पर रख दो, एंड द गेट विल, मतलब उसमें डालोगे तो गेट खुल जाएगा और तुम्हें उसमें से जाना है। बट कीप योर टोकेंस केयरफुली विद यू, लेकिन अपने टोकेंस को सावधानी से अपने पास रखो। तो अनन्या ने अपना टोकन एकदम हल्के से पकड़ा, एंड यदि वो खो जाता तो क्या वो हमें ट्रेवल करने के लिए अलाउ नहीं करेंगे, तो इसलिए उसने क्या किया, अपना पॉकेट से निकाला और उसको गेट खोल लिया अपने लिए। और अंकुर ने बहुत ही प्राइड के साथ उससे पूछा इज इन द प्लेटफॉर्म ब्यूटीफुल, कि कितना सुंदर प्लेटफॉर्म है ना, सो क्लीन टू, मतलब इतना साफ भी है। तो अनन्या ने उसके बात से सहमति जाहिर की, और उसकी आंटी सुमन ने कहा Here's our metro train. यहाँ हमारी ट्रेन है। The train rushed in. ट्रेन में बहुत भीड़ थी, तो the minute it stopped, जब वो रुकी, तो स्लाइडिंग डोर्स खुले और कुछ लोग उसमें से बाहर निकले। एकांश jumped in excitedly. एकांश भी अपने उत्सुकता में कूदा, कूदने लग गया कि हमें कहीं सीट नहीं मिले। तो अंकुर ने उसको वापस बोला कि वेट, पहले लोगों को उतरने दो, उसके बाद। Finally, the children got into the train and sat down. उसके बाद बच्चे ट्रेन में गए और बैठ गए, और ट्रेन कुछ ही सेकंड में वहां से चल दी। तो अनन्या ने कहा, look at the traffic jam, कि कितना देखो ट्रैफिक जैम है और हम
उन सब शोर और कंफ्यूजन से ऊपर चल रहे हैं. तो हाउ विल वी नो व्हेन वी हैव टू गेट ऑफ, अनाया आस्क्ड वरीडली. अनाया ने बहुत चिंता से पूछा कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कहाँ उतरना है. तब उसके अंकल राज ने एक डिस्प्ले विंडो की तरफ इशारा करते हुए कि वहां ये देखो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट स्टेशन पे हमें उतरना है. फिर एक कांच ने कहा, कांट यू हियर द अनाउंसमेंट, कि तुम्हें या अनाउंसमेंट जो हो रहे हैं वो भी सुन सकते हो. फिर उनकी आंट ने कहा कि कम ऑन चिल्ड्रन, आओ बच्चों. और ट्रेन रुकी और डोर खुले और वो लोग प्लेटफॉर्म पे उतर गए. तो अंकल राज ने पूछा, डिड यू हैव फन, क्या तुम्हें मजा आया. अनाया ने कहा, यस. तो वी शैल गो ऑन द मेट्रो अगेन इन नेक्स्ट ईयर वेकेशन, एकांश सेड. आकांश ने कहा कि हम अगले साल फिर से मेट्रो में दोबारा से जाएंगे. सो मच फन, इसमें बहुत मजा आया. तो बच्चों, इस स्टोरी से क्या मोरल मिला कि वी शुड ऑलवेज ऑफर सीट्स टू ओल्डर पीपल व्हाइल ट्रेवलिंग. जब हम कहीं भी सफर कर रहे होते हैं, ट्रेवल कर रहे होते हैं, तो हमें अपनी सीट्स जो हमसे बड़े लोग हैं उनको देनी चाहिए. थैंक यू.